Dear students and viewers, I welcome you all in my tuition. Today we are going to discuss about the next topic, that is human nervous system. Actually, इसका दूसरा पार्ट है, तो इसमें हम पढ़ेंगे organs. कि human nervous system जो है, इसमें कौन कौन से organs इन्वॉल्व है या मेन कौन कौन से organs होते हैं किसमें, human nervous system में. इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे हम पार्ट्स पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या है. ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स एंड सेंस ऑर्गन्स. तो ये जो सारा ये जो मैसेज है, जो ये सारी जो कोऑर्डिनेशन है, इसको हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम कहते हैं. तो इस ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, वो ब्रेन है. दूसरा ऑर्गन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है. तीसरा ऑर्गन जो इसमें है उनको हम नर्वस कहते हैं. बिसाइड्स दिस द प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स और सेंस ऑर्गन्स आल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन नर्वस सिस्टम. जो सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स भी एक्चुअली इस नर्वस सिस्टम को बनाते हैं. तो इस तरीके से हमें पता चला कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, इसमें ब्रेन है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें नर्वस है. तो बिसाइड दिस इसमें और इसमें सेंस ऑर्गन्स भी है. यानी कि इसमें अगर हम देखेंगे कि पांच सेंसेस जो हमारी बॉडी में है, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन नर्वस सिस्टम. तो जो ब्रेन है, ब्रेन कहाँ पे है, दिस ब्रेन लाइज इन द सकल ऑफ आवर हेड. जो कि हमारा हेड है, इसमें जो सकल बोन है, इसमें जो क्रैनियम है, इस क्रैनियम में एक्चुअली हमारा ब्रेन है. इट लाइज इन द सकल ऑफ आवर हेड. तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड लाइज इन आवर बैक बोन. इट लाइज इन आवर बैक बोन. तो इस स्पाइनल कॉर्ड का जो अपर एंड है, जो अपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, दैट इज कनेक्टेड विद द ब्रेन. और जो लोअर वाला पार्ट है, लोअर पार्ट, दैट रनस थ्रू वर्टिब्रल कॉलम और दैट रनस थ्रू वर्टिब्रा. जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वो पार्ट जो है लोअर पार्ट जो है वो उसी में रन होता है. और दैट एंड इज एट द एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. और जो ही वर्टिब्रल कॉलम एंड होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड भी एंड होता है. इसके अलावा जो नर्वस है, नर्वस क्या है, नर्वस एक्चुअली इसी मैसेज को कैरी करते हैं. आर ही यूनिट, दीज आर द यूनिट्स ऑफ दिस नर्वस सिस्टम. तो जो नर्वस है ये हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट हर एक जगह पे है. दे आर सेपरेट ऑल ओवर आवर बॉडी एंड देयर आर मिलियंस ऑफ नर्वस. देयर आर मिलियंस ऑफ नर्वस. These nerves are of millions in number. तो इस तरीके से हम ये याद रखेंगे कि ये पूरे बॉडी में है और millions of है. इसी वजह से जब भी हमें कोई भी किसी भी चीज को हम देखते हैं तो हम इसको जट से पहचानते हैं, क्योंकि ये जो मशीन है ये ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसमिट होकर कहां पे, सीधे हमारे ब्रेन, और ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है. फिर इसी के हिसाब से हम अपना रिस्पॉन्स इस स्टिमुलस की तरफ देते हैं. जो ये नर्वस है, दीज नर्वस आर ऑफ यूजली आर ऑफ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नर्वस. There are three types of nerves. One are the cranial nerves, another are the spinal nerves, another are the visceral nerves. Jo cranial nerves hai, these cranial nerves are, they collect information from all parts of their body. They collect information from all the parts of their body. Jo cranial nerves hai, connect all the parts of the body to the head. Or we can state that these cranial nerves, they connect all parts of the body to the brain. यानी कि जिस्म के हर एक हिस्से को ये क्या, ब्रेन से कनेक्ट करते हैं. इसके बाद जो स्पाइनल नर्वस है, जो रिमेनिंग पार्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल मसल और स्किन, इसको ये किससे कनेक्ट करते हैं, इसको ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं. तो हम ये कहेंगे कि स्पाइनल नर्वस कनेक्ट ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक मसल्स एंड स्किन टू द स्पाइनल कॉर्ड. इसके बाद जो है, दोज आर कॉल्ड एज द वेसेरल नर्वस. जो वेसेरल नर्वस है, वेसेरल नर्वस क्या है, वेसेरल नर्वस कनेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल्सो टू द ब्रेन. ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है, फॉर एग्जाम्पल लिवर है, पैंक्रियाज है, कॉल ब्लैडर है, इनको ये किससे, या स्प्लीन है, इनको ये किससे कनेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, या ब्रेन से, ब्रेन से कनेक्ट करता है. इसीलिए अगर हम देखेंगे कि लिवर एक्चुअली क्या है, किसको, लिवर बाइल जूस को सक्रिय करता है, बाद में ये गॉल ब्लेडर में एक्चुअली स्टोर कर. इट इज नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है.
तो यहां पर हम ये देखेंगे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स जो है इनको ये इनको किससे विसरल नर्वस कनेक्ट करते हैं, इसको ये स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट करते हैं या ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। तो जो ये नर्वस तमाम है दीज आर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज द सेंसरी नर्व, अनदर इज कॉल्ड एज द मोटर नर्व। सेंसरी नर्व वन इज कॉल्ड एज द सेंसरी नर्वस, अनदर इज कॉल्ड एज द मोटर नर्वस। जो सेंसरी नर्वस है, सेंसरी नर्वस क्या है, सेंसरी नर्वस आर दोज नर्वस विच कैरी मैसेज फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और कॉल्ड इज द सेंसरी नर्वस। ये सेंसरी नर्वस वो नर्वस है जो बॉडी पार्ट से मैसेज को कैरी करके कहां तक, ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं, इनको हम सेंसरी नर्वस कहते हैं। वायर जो मोटर नर्वस है, मोटर नर्वस क्या करती है, मोटर नर्वस आर दोज नर्वस विच कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एक्शन। मोटर नर्वस क्या करती है, ये मैसेजेस को, ये इम्पल्स को कैरी करती है कहां से, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से कहां तक, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर द नेसेसरी एक्शन। अगर कोई भी कंडीशन हमारी यानी जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं वो होगा हमारे पास, तो हमारा हमारी बॉडी जो है वो इसको रेस्पॉन्स देगी। वो रेस्पॉन्स कैसे देगी, बिकॉज ऑफ दिस मोटर नर्वस, क्योंकि ये एक्चुअली मैसेज को, ये इम्पल्स को, ये इम्पल्स को कैरी करती है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से किन तक, इन ऑर्गन्स तक, फॉर द नेसेसरी एक्शन। हेंस दीज नर्वस आर क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज सेंसरी नर्वस एंड मोटर नर्वस। और ये प्रोसेस कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल जो सेनस ऑर्गन्स होते हैं, सेनस ऑर्गन्स अगर किसी भी वक्त ये इफेक्ट होते हैं, दे गेट इफेक्टेड, व्हाट हैपेंस देयर, दे सेंड द मैसेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। कोई भी सेंस ऑर्गन अगर इफेक्ट होता है, ये एक मैसेज भेजता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू द ब्रेन, तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन इस मैसेज को एनालाइज करती है, द ब्रेन एनालाइज दिस मैसेज एंड डिसाइड द एक्शन टू बी टेकन, द ब्रेन देन सेंड्स आउट इंस्ट्रक्शन टू द मसल्स ऑफ द कंसर्नड बॉडी पार्ट्स फॉर नेसेसरी एक्शन थ्रू मोटर नर्वस। The concerned body part then acts according to the instruction sent by the brain. तो क्या होता है कि जब सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स के इर्द गिर्द कोई भी चेंज आती है, यही चेंज ब्रेन तक होती है इन द फॉर्म इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ब्रेन फिर डिसाइड करता है और ये इसी मैसेज को सेंड करता है वाया दिस मोटर नर्व फॉर द नेसेसरी एक्शन। इस तरीके से जो स्पाइनल नर्वस और मोटर नर्वस है इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होती है, तो इसी के जरिए क्या होता है, इसी के जरिए ये जो हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये हमारी बॉडी में काम करता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, हैव अ नाइस डे।